हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो जानते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, सपोज मेरे पास NaCl है, NaCl है मेरे पास, NaCl डिसोसिएट होता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना, ये हम सब जानते हैं। अब देखो NaCl जब डिसोसिएट हुआ, जब NaCl टूटा हमारे पास, तो हमारे पास हमें इंडिविजुअली आयन्स मिल गए, ठीक है। अब सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पे क्या चार्ज है हमारे पास यहाँ पर, प्लस वन, है ना, सोडियम पे चार्ज है प्लस वन, और क्लोरीन पे क्या चार्ज है हमारे पास, माइनस वन, है ना, यहाँ पे चार्ज है प्लस वन, वहां पे चार्ज है माइनस वन। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, देखो जब NaCl टूटा, ठीक है, आयन्स में टूटा, तो हमारे पास इंडिविजुअली जो चार्ज बचा उन पर, जैसे सोडियम के ऊपर प्लस वन चार्ज बचा, क्लोरीन पे माइनस वन चार्ज बचा, तो ये जो चार्ज बचा उस चार्ज को हम उनका ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। इस पे चार्ज है प्लस वन तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है हमारे पास प्लस वन, उसका चार्ज है माइनस वन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है माइनस वन। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ MgCl2 की, MgCl2 डिसोसिएट होता है Mg+2 प्लस 2Cl नेगेटिव में, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम पे क्या चार्ज है प्लस 2, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास यहाँ बनेगा प्लस 2, और उधर क्लोरीन पे क्या चार्ज है माइनस 1, ध्यान से ना, क्लोरीन पे सिर्फ माइनस 1 चार्ज है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास बनेगा माइनस 1, ठीक है। तो ये तो बेसिक हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन साथ में लिख लेना आप लोग, इट इज द रेजिडुअल चार्ज ऑन एन एटम व्हेन अदर एटम्स आर रिमूव्ड एज आयन्स। रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा, तो जो चार्ज बचा हमारे पास एटम्स पे जब बाकी सारे एटम्स इन द फॉर्म ऑफ आयन्स रिलीज हो गए, तो वो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है दो तरह का, पहला होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा होता है एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन नंबर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, तो आपके सामने स्क्रीन पर एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर के ये कुछ रूल्स हैं, इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको नोट कर लीजिए, बिकॉज अगर जब तक आपको ये रूल्स नहीं पता होंगे आप एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये रूल्स आपको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास रूल ये आता है कि जो हमारा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वहां पर हमारे पास जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर आए, है ना, उन सब ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो चार्ज के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास NaCl था, NaCl में इन दो का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन माइनस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जीरो, और NaCl पे क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो। तो ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो होता है वो चार्ज के बराबर होना चाहिए, ये होता है हमारा पहला रूल, ठीक है। दूसरा रूल हमारे पास आता है कि हमारे जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स यानी लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबिडियम, ग्रुप वन के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस वन, ठीक है, यही है हमारा देखो सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप वन इज प्लस वन। ऐसे ही थर्ड रूल हमारा जो आता है वो होता है कि जो हमारे पास ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं, है ना, ग्रुप टू के एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम कैल्शियम बेरीलियम, ग्रुप टू के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास होता है प्लस टू, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज जनरली माइनस टू, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर अभी हम जो लेके चलेंगे माइनस टू लेके चलेंगे, लेकिन आप आगे चल के देखोगे तो वो कहीं कहीं चेंज भी डिफर भी करता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन का हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस टू, ओके। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है हेलोजन्स जो होते हैं हमारे पास, हेलोजन्स यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास होता है माइनस वन, ठीक है, माइनस वन होता है हेलोजन्स का, अगेन जनरली, कहीं पे आप देखोगे कि चेंज हो रहा है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपको बताना चाहिए हेलोजन्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास होता है माइनस वन जनरली। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है हाइड्रोजन का।
अब देखो हाइड्रोजन में हमारे पास दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, माइनस वन प्लस वन। अगर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन जो है वो मेटल से कनेक्टेड है, अगर हाइड्रोजन मेटल से कनेक्टेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस वन। ठीक है, अब मेटल्स कौन से होते हैं हमारे पास, ग्रुप नंबर वन से ग्रुप थर्टीन को हम मेटल्स में कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हमने दिए हैं लाइक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, आप इनको अगर याद कर लेंगे तो वो भी बहुत रहेगा कि अगर आपको हाइड्रोजन इनमें से किसी से कनेक्टेड मिला या फिर आपको हाइड्रोजन किसी भी मेटल से कनेक्टेड मिला ग्रुप वन टू ग्रुप थर्टीन तो वो आपका माइनस वन रहेगा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ पर। ठीक है, लेकिन ऐसे ही अगर हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल से कनेक्टेड है यानी ग्रुप थर्टीन से ऊपर किसी से भी कनेक्टेड है, ठीक है, या फिर आपको अगेन एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरिन, क्लोरिन, इनमें से किसी से कनेक्टेड है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा प्लस वन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार, हाइड्रोजन अगर हमारे पास किसी मेटल से कनेक्टेड है लाइक लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम ग्रुप वन टू ग्रुप थर्टीन तो हमारे पास हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा माइनस वन। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से कनेक्टेड है ग्रुप 13 से ऊपर किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड है फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरिन, क्लोरिन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा हमारे पास प्लस वन। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सिंपल रूल्स। एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, बाकी साथ साथ आप भी ट्राई करना। एक यहाँ पे देख लो, सपोज आपसे पूछा है आपको CO2 गिवन है, ठीक है, CO2 गिवन है और आपसे बोला है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रखा होता है मतलब आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन प्लस दो ऑक्सीजन है O2 यानी दो ऑक्सीजन प्लस 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू चार्ज, है ना। CO2 पे क्या चार्ज है, कुछ भी नहीं है मतलब जीरो। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको मैं एक्स लेट कर लेती हूँ, एक्स प्लस 2 × ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको रूल्स में क्या बताया देखो -2। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 इक्वल्स टू चार्ज दैट इज जीरो, है ना, CO2 लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स -4 इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बनता है +4। ऐसे निकालना है हमें ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट्स का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अगर मैं आपको देती हूँ, आप भी करना साथ साथ मैं भी करूँगी। आपको गिवन है H2SO4 और इसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर, पहले दो हाइड्रोजन है तो 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस चार ऑक्सीजन है तो 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब चार्ज है हमारे पास जीरो। ठीक है, अब हाइड्रोजन का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे, प्लस वन या माइनस वन, किससे कनेक्टेड है डायरेक्टली सल्फर से कनेक्टेड है, सल्फर से कनेक्टेड है तो मतलब नॉन मेटल से कनेक्टेड है और अगर नॉन मेटल से कनेक्टेड है हाइड्रोजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या लेते हैं हम प्लस वन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास क्या रहेगा प्लस वन, प्लस सल्फर का हमें निकालना है तो इसको हमने एक्स लेट कर लिया, प्लस 4 × ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना बताया था -2 लेके चलना है इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0 तो x हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास हमेशा ऐड होंगे सिर्फ। ठीक है, 2 × हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा ऐड होंगे, इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर मैं आपको हम 4 क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है, दैट इज CH4 कार्बन का ढूंढना है पहला ये है, दूसरा हमारे पास है CH3Cl अगेन कार्बन, तीसरा हमारे पास है CH2Cl2 अगेन कार्बन एंड फोर्थ है हमारे पास CHCl3 अगेन कार्बन। ठीक है,
साथ साथ करो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो, नहीं समझ आता है प्ले करो, मैं तो यहाँ पे कर ही रही हूँ। तो लेट्स सी क्या आते हैं आंसर यहाँ पर। कार्बन को हमने एक्स लेट कर दिया, प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है तो मतलब नॉन मेटल से कनेक्टेड है, यानी प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक्स यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4। ऐसे ही CH3Cl में कार्बन यानी एक्स प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से, तो यानी हम हाइड्रोजन का लेंगे प्लस 1। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन क्या होता है हमारे पास, क्लोरीन होता है हेलोजन। जहां भी डाउट हो ऊपर जाओ, जो मैंने बताया था उसमें देखो, क्लोरीन हमारे पास, मैंने आपको बताया था बोलते टाइम हेलोजन के एग्जांपल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो क्लोरीन का हमारे पास रहेगा माइनस वन इक्वल्स टू चार्ज, चार्ज कुछ भी नहीं है यानी 0। तो यहाँ पर x हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ पर हमारे पास आंसर बनेगा, ठीक है। अब हम CH2Cl2 को अगर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड में दिख देती हूँ, थर्ड पार्ट इज CH2Cl2, कार्बन का निकालना है। तो कार्बन का हमने x लेट किया, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन, अगेन कार्बन से कनेक्टेड है, नॉन मेटल से है तो 1, प्लस 1, प्लस 2 इंटू क्लोरीन, क्लोरीन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन यानी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, कैंसिल आउट, x हमारे पास क्या बना, 0। और ऐसे ही हमारे पास आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, कार्बन का निकालना यानी x प्लस हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है तो प्लस 1, और 3 इंटू क्लोरीन यानी हेलोजन माइनस 1, चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, ये हमारा बनता है करेक्ट आंसर इस केस में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, लेंगे यहाँ पर, ओके ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। NaSO3-1 और यहाँ पे निकालना है सल्फर का, अगेन सोडियम, सोडियम यानी कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का बताया था 1, तो सोडियम का 1 प्लस सल्फर का निकालना है x प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है ना O3, तो 3 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना बताया था माइनस 2 इज इक्वल टू चार्ज, यहाँ पे देखो चार्ज हमारे पास माइनस 1 है, ये ध्यान रखना है चार्ज लेके चलना है, तो चार्ज हमारे पास माइनस 1 है, तो हमारे पास 1 प्लस x माइनस 6, 3 टू जा 6, माइनस है तो माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 1, x माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 5, देयरफॉर x हमारे पास क्या बनेगा, x हमारे पास यहाँ पे बनेगा 4, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या लें, छोड़ के लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है C6H12O6 और यहाँ पे अगेन आपको निकालना है कार्बन का, तो कार्बन का निकालना है यानी अगेन x लेट करेंगे, 6 कार्बन है तो 6 इंटू एक्स प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का क्या लेंगे हम, कार्बन से कनेक्टेड है तो प्लस 1, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन यानी माइनस 2 इक्वल्स टू चार्ज कुछ भी नहीं है मतलब 0। तो 6x प्लस 12 माइनस 6 टू 12 इक्वल्स टू 0, तो 12 से 12 कैंसिल, 6x इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 बाई 6 यानी 0, तो x हमारे पास यहाँ पे बनेगा 0। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब हम और कौन सा क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर हम, या एक काम करते हैं दो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, आप भी साथ साथ करना, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, LiAlH4 और दूसरा आपको क्वेश्चन है यहाँ पर NaBH4, यहाँ पे हमको निकालना है बोरॉन का और यहाँ पे हमको निकालना है एल्यूमिनियम का, ठीक है। अब देखो यानी लिथियम का प्लस एल्यूमिनियम प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन इक्वल टू चार्ज कितना है 0। लिथियम यानी ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 1 का एलिमेंट यानी प्लस 1, प्लस एल्यूमिनियम का निकालना है यानी x प्लस 4 इंटू, अब हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है,
एल्यूमिनियम यानी मेटल, और मेटल से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन का हम लेंगे माइनस वन. तो यहाँ पे 4 × −1 इक्वल्स टू 0. 1 + x − 4 इक्वल्स टू 0. x इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे बनेगा आंसर 3. ठीक है, सेम NaBH4 करेंगे अब. NaBH4 में सोडियम प्लस बोरॉन प्लस 4 × हाइड्रोजन इक्वल्स टू 0. सोडियम कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1. तो हमारे पास सोडियम का बनेगा 1 प्लस बोरॉन का निकालना यानी x प्लस 4 × हाइड्रोजन. अगेन हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है? बोरॉन से. और बोरॉन मैंने क्या बताया था, मेटल या नॉन मेटल? ऊपर जाके देख लो क्विकली, बोरॉन है हमारे पास मेटल. ठीक है, देखो बोरॉन मेटल में लिखा रखा है मैंने, बोरॉन मेटल है. तो यानी हम हाइड्रोजन लेंगे माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पर 1 + x − 4 = 0. एंड अगेन x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 3. ठीक है, तो ये थे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, हमने कैसे निकाला एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैसे निकाला. ठीक है, ये कुछ स्टेप्स थे हमारे पास जो कि आई होप आपको क्लियर होंगे. नहीं क्लियर है तो दोबारा देख लो. ऑक्सीडेशन नंबर की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, ये सब हमने आज के इस वीडियो में करा. मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.